नमस्कार दोस्तों, आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। शाम का समय है और हम आपको आज दिखा रहे हैं कि हमारे गांव रामसर में जो गांव का मंदिर है उसके अंदर पौष बड़े का आयोजन रखा गया है और पौष बड़े यहां पर बन रहे हैं। और सामने जो आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, इस मंदिर की कार्य समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर मौजूद है और सामने मंदिर परिसर में बैठ कर मीटिंग और चर्चाएं कर रहे हैं। इसके बाद पौष बड़े इधर हलवाई बना रहे हैं और वह हलवाई बनाने के बाद में पौष बड़े का भोग लगेगा और इसके बाद सभी को वितरित किया जाएगा। ये सभी जो लोग सामने दिख रहे पड़ रहे हैं वो मंदिर समिति के सभी सदस्यगण मौजूद है और इसके बीच में भाजपा नेता भी एक रामविलास जी भी मौजूद है। ये सब लोगों का सहयोग से इस मंदिर में हमेशा ये प्रोग्राम होता है। ये पौष बड़े का आयोजन देखो, यहाँ पर जो बच्चे लोग भी देख रहे हैं, पिसाई मशीन भी रखी हुई है और यहाँ पर पौष बड़े का आज आयोजन रखा गया है। तो ये अभी प्रसादी वितरित होना बाकी है, जो प्रसादी का वितरण आपको हम आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे। अभी इसमें बस इतना दिखाते हैं कि मंदिर की कार्य समिति के सभी सदस्यगण मीटिंग करके और एक सलाह मशवरा कर रहे हैं कि प्रसाद का वितरण किस तरीके से किया जाए, जो सुनियोजित ढंग से ये मंदिर परिसर में। और ये देखो, ये पौष बड़े का उधर सिस्टम जो बन रहा है, पौष बड़े इधर तैयार हो रहे हैं देखो कढ़ाई में, और सभी बच्चे लोग आशा लगाकर खड़े हुए हैं। अब इनकी सब्र का पुल टूटने वाला है, थोड़ी देर में भगवान को प्रसादी का भोग लगाया जाएगा और इनको पौष बड़े सबको भरपेट खिलाया जाएगा। यहाँ पर ये हमारे गाँव में हमेशा से चला हुआ आ रहा है और ये चलता रहेगा। ये मंदिर भगवान का मंदिर है, इसमें हमेशा बिना कहे ही सब लोग आकर अपना चंदा उगा करके और यहाँ पौष बड़े का आयोजन हर साल करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन रखा गया है और सभी के सहयोग से ये बोल सफल कार्य हो रहा है। और यहाँ पर सभी को अभी मिलने वाला है पौष बड़े, और अभी कार्य समिति के सभी सदस्यगण और भाजपा नेता रामलीला जी मीना से बैठ कर के चर्चाएं कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। इसके बाद में सभी गांव वालों अभी आने वाले हैं। आने के बाद में यहां पर पुजारी जी पौष बड़े का लगाएंगे भोग और सबको वितरित करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।